हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका एग्जाम गुरु एकेडमी के डेली करंट अफेयर्स सेशन में। आज हम चर्चा करेंगे 29 दिसंबर 2017 के करंट अफेयर्स पे। तो देखते हैं आज 29 दिसंबर को कौन कौन सी ऐसी नेशनल और इंटरनेशनल हेडलाइंस हैं न्यूज़पेपर्स में जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और हमारे करंट अफेयर का पार्ट है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन पर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इस चैनल से डेली करंट अफेयर्स और जीएस का ऑटोमेटिक अपडेट मिलता रहे। और वीडियो को देखने के बाद इसको लाइक जरूर कीजिए और लाइक करने के बाद इसको शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी इस वीडियो को देख के इस करंट अफेयर सेशन से लाभ ले सकें। तो स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। अब देखते हैं यहाँ से जुड़ी कौन सी न्यूज़ है जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से संबंधित कौन से ऐसे फैक्ट हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अभय को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो देखिए यहाँ पे एक अपॉइंटमेंट की बात हो रही है और नाम आ रहा है अभय का, और अभय है एक आईपीएस ऑफिसर जो कि वर्तमान में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में कार्यरत हैं और इन्होंने स्थान लिया है आर भटनागर का। तो आपको इतनी सारी चीज़ें याद रखनी है। अब बात करें अगर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी का, तो इसका गठन हुआ था 17 मार्च 1986 को और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। तो इतने सारे फैक्ट आपको नारकोटिक्स के बारे में याद रखने हैं। एग्जाम में प्रश्न कैसे बनेगा? एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि हाल ही में किस वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नया महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। तो ये हैं अभय, तो अभय का नाम याद रखिएगा और इन्होंने रिप्लेस किया है आर भटनागर को। अगला पॉइंट है अनुष्का शर्मा। देखते हैं अनुष्का शर्मा किस लिए चर्चा में है। अब आप ये मत सोचिएगा कि अनुष्का शर्मा की विराट कोहली के साथ शादी हुई है इसलिए चर्चा में है। नहीं, अनुष्का शर्मा जो है इनको अभी हाल ही में पशु अधिकार संगठन पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स यानी कि पेटा द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया। हमने यहाँ पे सबसे पहले जान लिया कि अनुष्का शर्मा को पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है पेटा द्वारा, और पेटा का फुल फॉर्म है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, और ये जो है एक पशु अधिकार संगठन है। तो आपको याद रखना है कि पेटा जो है एक पशु अधिकार संगठन है और इसका मुख्यालय है यूएसए के वर्जीनिया के नॉरफोल्क में। तो यूएसए के वर्जीनिया प्रांत के नॉरफोल्क में इसका हेडक्वार्टर है, यानी कि पेटा का मुख्यालय जो है यूएसए के वर्जीनिया के नॉरफोल्क में है और इसकी स्थापना हुई थी मार्च 1980 में, और इसके अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इनग्रिड न्यूकिर्क। अगला पॉइंट है पेटीएम। आप देखते हैं पेटीएम से जुड़ी कौन सी न्यूज़ है जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। पेटीएम बनी प्ले स्टोर पर 100 मिलियन से अधिक बार डाउनलोड की जाने वाली भारत की पहली भुगतान ऐप। तो आपको याद रखना है कि पेटीएम जो है ये भारत की पहली ऐसी भुगतान ऐप बन गई है जिसको प्ले स्टोर पर 100 मिलियन से अधिक बार डाउनलोड किया गया है। अब पेटीएम की बात करें तो पेटीएम के फाउंडर और सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं विजय शेखर शर्मा, और पेटीएम को लॉन्च किया गया था अगस्त 2010 में, और पेटीएम का जो हेडक्वार्टर है यानी कि मुख्यालय है यह है नोएडा में, और नोएडा जो है उत्तर प्रदेश में है। तो आपको इतने सारे फैक्ट पेटीएम के बारे में भी याद रखना है, खास तौर से पेटीएम के जो फाउंडर हैं या फिर सीईओ हैं उनका नाम याद रखना है। तो यहाँ पे प्रश्न क्या बनेगा एग्जाम में? एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि किस भारतीय भुगतान ऐप को प्ले स्टोर पर 100 मिलियन से अधिक बार डाउनलोड किया गया है? तो यह है पेटीएम। अगला पॉइंट है हरिवरा सनम पुरस्कार 2017। अब देखते हैं 2017 का हरिवरा सनम पुरस्कार किसको दिया गया है। वरिष्ठ गायक के एस चित्रा को केरल सरकार द्वारा स्थापित प्रतिष्ठित हरिवरा सनम पुरस्कार 2017 के लिए चुना गया है। तो देखिए यहाँ पे एक अवार्ड की बात हो रही है और इस अवार्ड का नाम है हरिवरा सनम पुरस्कार, और ये दिया गया है वरिष्ठ गायिका के एस चित्रा को। तो के एस चित्रा का नाम आपको याद रखना है, और के एस चित्रा को 14 जनवरी 2018 को एक समारोह में उन्हें 1,00,000 रुपये नगद प्रशस्ति पत्र और पट्टिका देकर इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो याद रखना है आपको कि जो वरिष्ठ गायिका हैं के एस चित्रा, इनको हरिवरा सनम पुरस्कार 2017 के लिए चुना गया है। अब बात करें हरिवरा सनम पुरस्कार कब स्टार्ट हुआ, तो ये स्टार्ट हुआ था 2012 में, यानी कि 2012 से हर साल जो है केरल सरकार हरिवरा सनम पुरस्कार वितरित करती है, और इस बार का पुरस्कार दिया है वरिष्ठ गायिका के एस चित्रा को। तो यहाँ पे एक वन लाइनर प्रश्न बन सकता है एग्जाम में कि हाल ही में किस वरिष्ठ गायिका को केरल सरकार द्वारा स्थापित प्रतिष्ठित हरिवरा सनम पुरस्कार 2017 के लिए चुना गया है। तो ये है के एस चित्रा। अगला पॉइंट है प्रिंस हैरी। अब देखते हैं प्रिंस हैरी क्यों चर्चा में है। प्रिंस हैरी को अफ्रीकन पार्क के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। तो
अब थोड़ा सा अफ्रीकन पार्क पे फोकस करते हैं, देखते हैं अफ्रीकन पार्क क्या है जिसका इनको अध्यक्ष बनाया गया है। तो अफ्रीकन पार्क एक संरक्षण समूह है जो कि महाद्वीप में यानी कि अफ्रीकी महाद्वीप में एक दर्जन वन्य जीव क्षेत्रों का प्रबंधन करता है यानी कि मैनेजमेंट करता है। तो आपको याद रखना है अफ्रीकन पार्क जो है ये अफ्रीका का एक संरक्षण समूह है जो कि अफ्रीका महाद्वीप में एक दर्जन से ज़्यादा वन्य जीव क्षेत्रों का प्रबंधन करता है। एग्जाम में प्रश्न क्या पूछेगा, एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है कि हाल ही में किस व्यक्ति को अफ्रीकन पार्क के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है, तो यह है प्रिंस हैरी। अगला पॉइंट है अनीसा सैयद। अब देखते हैं अनीसा सैयद कौन है और इनसे संबंधित कौन से प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हरियाणा की निशानेबाज अनीसा सैयद ने केरल के तिरुवनंतपुरम में आयोजित 61वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में महिला 25 मीटर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता। तो इन्होंने एक गोल्ड मेडल जीता है और ये जीता इन्होंने 61वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में। तो एग्जाम में प्रश्न कैसे बनेगा, तो यहाँ पे प्रश्न बन सकता है कि हाल ही में हरियाणा की किस महिला निशानेबाज ने केरल के तिरुवनंतपुरम में आयोजित 61वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है, तो ये जीता है अनीसा सैयद ने। और ये अगला पॉइंट है यूपी प्रो पुअर टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। अब देखते हैं ये प्रोजेक्ट क्यों चर्चा में है। भारत और विश्व बैंक के मध्य यूपी के प्रो पुअर टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए विश्व बैंक से 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर के आईबीआरडी क्रेडिट हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो देखिए यहाँ पे एक एग्रीमेंट की बात हो रही है और यहाँ पे एक प्रोजेक्ट की बात हो रही है और ये प्रोजेक्ट है यूपी प्रो पुअर टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और इस प्रोजेक्ट के लिए विश्व बैंक से 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर के आईबीआरडी क्रेडिट हेतु समझौते पत्र पर हस्ताक्षर हुआ है भारत और विश्व बैंक के बीच में। और इस योजना का विस्तार जो है ये लगभग 57.14 मिलियन अमेरिकी डॉलर है और इसमें से जो है 40 मिलियन हमने जो है कर्ज लिया है विश्व बैंक से और बाकी जो शेष राशि है वो राज्य के बजट से वित्त पोषित किया जाएगा। यानी कि अब बात करें इस योजना की अवधि क्या है, तो इस योजना की अवधि 5 साल है और इस परियोजना का लक्ष्य है कि जो लक्षित स्थल हैं उनमें स्थानीय समुदायों के लिए पर्यटन से संबंधित लाभों को बढ़ाना। तो देखिए ये सारे फैक्ट जो हैं ये यूपीपीएससी या फिर उत्तर प्रदेश के सारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं, बाकी जो अन्य स्टेट के हैं बस उनको इतना जानना है कि भारत और विश्व बैंक के मध्य यूपी प्रो पुअर टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए विश्व बैंक से 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर के आईबीआरडी क्रेडिट हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो इतने सारे फैक्ट हैं इस योजना से संबंधित। अगला पॉइंट है एडवांस्ड एयर डिफेंस सुपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइल। आप देखते हैं ये मिसाइल कहाँ से दागी गई और इस मिसाइल से संबंधित कौन से फैक्ट हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित एडवांस्ड एयर डिफेंस सुपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइल का ओडिशा में सफल परीक्षण किया। तो देखिए यहाँ पे एक मिसाइल की बात हो रही है और ये मिसाइल है एडवांस्ड एयर डिफेंस सुपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइल। और इस मिसाइल की विशेषता क्या है कि ये मिसाइल जो है सामने से आ रही बैलिस्टिक मिसाइल को धरती के वातावरण में 30 किलोमीटर की ऊंचाई के दायरे में सफलतापूर्वक निशाना बनाकर उसे नष्ट करने में सक्षम है। तो भारत के लिए बहुत बड़ी सफलता ये, अगर अब कोई देश हम पर हमला करेगा मिसाइल या फिर आईसीबीएम के माध्यम से तो हम उसके मिसाइल को 30 किलोमीटर ऊपर हवा में ही नष्ट कर देंगे अपने एडवांस्ड एयर डिफेंस सुपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइल से। और इससे पहले दो मिसाइलों का और भी परीक्षण किया जा चुका है, पहला परीक्षण हुआ था 11 फरवरी को और दूसरा जो है 1 मार्च को। और अगला पॉइंट है गुरबचन सिंह। अब देखते हैं गुरबचन सिंह कौन है और किस लिए चर्चा में है। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी गुरबचन सिंह को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में महानिदेशक जांच यानी कि डायरेक्टर जनरल इन्वेस्टिगेशन नियुक्त किया गया है। तो आपको याद रखना है कि इनको महानिदेशक जांच यानी कि डायरेक्टर जनरल इन्वेस्टिगेशन नियुक्त किया गया है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में। और अब अगर अब बात करें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, तो इसकी स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 में और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली भारत में यानी कि न्यू दिल्ली इंडिया में। तो इतने सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। आपसे एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछेगा कि हाल ही में किस आईपीएस ऑफिसर को नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में महानिदेशक जाँच यानी कि डायरेक्टर जनरल इन्वेस्टिगेशन नियुक्त किया गया है, तो यह है गुरबचन सिंह। अगला पॉइंट है संजीव चतुर्वेदी। अब देखते हैं संजीव चतुर्वेदी किस लिए चर्चा में है। संजीव चतुर्वेदी ने राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम संस्थान यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के निदेशक के रूप में पदभार संभाला। तो देखिए फिर एक अपॉइंटमेंट की बात हो रही है
और यहाँ पे नाम आ रहा है संजीव चतुर्वेदी का। तो आपसे एग्जाम में प्रश्न कैसे बनेगा यहाँ पे कि हाल ही में किस व्यक्ति ने माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस यानी कि राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम संस्थान के निदेशक के रूप में पदभार संभाला, तो यह है संजीव चतुर्वेदी। अब थोड़ा सा देखेंगे हम सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग होते क्या हैं। तो ये वे उद्योग होते हैं जिनमें काम करने वालों की संख्या जो होती है एक लिमिट में होती है यानी एक सीमा के अंदर होती है, और उनका जो वार्षिक टर्नओवर है यानी कि वार्षिक उत्पादन है वो भी एक सीमा के अंदर होता है। तो देखिए यहाँ पे एक परिभाषा जनरेट हो जाती है कि जिस उद्योग में काम करने वालों की संख्या तथा उनका वार्षिक उत्पादन एक सीमा के अंदर रहे वो है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग। अगला पॉइंट है LDF मोबाइल ऐप। अब देखते हैं इस ऐप की विशेषता क्या है और इसको किसने लॉन्च किया है और इस ऐप से संबंधित कौन सी ऐसी जानकारी है जो एग्जाम में पूछी जाएगी। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने लाइव स्टॉक डिजीज फॉर वार्निंग मोबाइल ऐप यानी कि LDF मोबाइल ऐप की शुरुआत की, और इस एप्लीकेशन की विशेषता ये है कि ये किसी भी बीमारी की पूर्व चेतावनी देगा आपको और महामारी के मामलों में निदान के लिए नैदानिक नमूनों के संदर्भ में जानकारी भी प्रदान करेगा ताकि महामारी के मामलों पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। और एग्जाम में एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि हाल ही में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने लाइव स्टॉक डिजीज फॉर वार्निंग मोबाइल एप्लीकेशन यानी कि LDF मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है, इस एप्लीकेशन को किसने विकसित किया, तो इसको विकसित किया है ICAR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी एपिडेमियोलॉजी और डिजीज इन्फॉर्मेटिक्स बेंगलुरु ने, तो आपको याद रखना है। और जो स्टेट PCS के एग्ज़ाम है उनमें इस एप्लीकेशन की विशेषता पूछी जा सकती है क्योंकि ऐसे कई सारे प्रश्न एग्ज़ाम में आ चुके हैं करेंट अफेयर्स के। तो जो स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं उनको इस एप्लीकेशन की विशेषता भी याद रखनी है, और बाकी आपको जो है इसका सारा फैक्ट याद रखना है कि किसने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया और किसने इसको डेवलप किया है। तो ये था LDF मोबाइल ऐप के बारे में। अगला पॉइंट है भारत 2018 में ब्रिटेन और फ्रांस को पीछे छोड़ दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। अब देखते हैं ये वक्तव्य किसका है, किसने ये कहा है और इससे जुड़े और भी कौन से फैक्ट हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। द सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च कंसल्टेंसी की 2018 के वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल के अवलोकन के अनुसार भारत 2018 में ब्रिटेन और फ्रांस को पीछे छोड़ दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। और अब आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि वर्तमान में भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के क्रम में किस स्थान पर, तो भारत है सातवें स्थान पर। तो वर्तमान जो है भारत सातवें स्थान पर है और 2018 में ब्रिटेन और फ्रांस को पीछे छोड़कर ये विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और एक और प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछा गया है कि विश्व आर्थिक मंच के अनुसार दुनिया की तीन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले नंबर पे है USA, दूसरे नंबर पे है चाइना और तीसरे नंबर पे है जापान। तो USA, चीन और जापान का क्रम आपको याद रखना है। देखिए क्रम जो है अरेंज करने के लिए पूछ लेता है और इसमें जो है भारत जो है वो सातवें स्थान पर है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको याद रखना है कि भारत जो है वो सातवें स्थान पे है और पहले दूसरे तीसरे स्थान पे हैं USA, चीन और जापान। तो आज का करेंट अफेयर सेशन यहीं समाप्त होता है। आपका काम है जल्दी से वीडियो को लाइक करना और इसको लाइक करने के बाद शेयर कर देना और शेयर करके उन लोगों तक पहुँचाना जिनको करेंट अफेयर्स की ज़रूरत है, यानी कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन तक आप ये वीडियो शेयर करके पहुँचाइए ताकि वो भी इस सेशन से लाभ ले सकें। थैंक यू।